हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा माइक। एक बार फिर से मैं आपके साथ आया हूँ और आज का जो क्लास आप देख रहे होंगे, जैसा कि हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो सबसे बड़ा टॉपिक था ट्रायंगल्स। इसके बाद एक टॉपिक और आता है क्वाड्रिलेटरल। देखिए, ज्योमेट्री का जितना भी सेक्शन है, जैसे ज्योमेट्री में तीन पार्ट्स आते हैं। एंगल्स का पार्ट आता है डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स पे, एक आता है साइड्स का पार्ट जहाँ पे आपको साइड या लाइन सेगमेंट निकालना होता है, और एक पार्ट आता है जहाँ पे आपको एरिया निकालना होता है। ये तीन सेक्शन आते हैं। तो सबसे बड़ा सेक्शन इसमें भी आता है ट्रायंगल्स का, उसको आपने कंप्लीट कर लिया हमारे साथ। अब जो आपको पढ़ना है वो क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल में बहुत तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो उन सारे के टाइप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन एकदम आखिरी में, इस वीडियो के एकदम आखिरी में आपको बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल किस किस टाइप्स के होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके पहले क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज बोलते हैं उसके बारे में हम बेसिक चीजें जानेंगे। जो चतुर्भुज के बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं, वो चीज आज आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। अभी तक आपको पता है चतुर्भुज किसको बोलते हैं? चार भुजाओं से कोई भी घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। अब पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, लेकिन पहले समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि चतुर्भुज के एक ऐसा डायग्राम है जिसके चार साइड्स होते हैं, जिसके चार भुजा होते हैं, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। तो बिल्कुल ये चतुर्भुज है। इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया, कौन किसके बराबर है, नहीं है, क्या एंगल है, कोई मतलब नहीं। ये कैसा चतुर्भुज जिसके कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, या ये कोई भी एंगल बराबर ना हो, मतलब कोई इसमें सिमिलरिटी आपको नहीं दिखे कि ये साइड इसके बराबर है या फिर ये साइड इसके बराबर है, कुछ ऐसा ना दिखे, तो इस तरह के चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? अस्कैलेन चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब एक चीज बताइए मुझे कि अगर इस चतुर्भुज की आपको सबसे पहले एंगल पे बात करेगा, सवाल जो बेसिक में बनता है वो एंगल्स पे बनता है। मैंने अगर इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी और डी आपको बोला है, तो आप बताइए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या होगा? आपके दिमाग में, बहुत सारे के दिमाग में ये होगा कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्या होगा? जो क्या होगा तो मुझे पता है। तो देखिए, कभी भी आपको जब किसी भी डायग्राम का जब आपको यह पता करना है कि कितना एंगल होगा उसका टोटल, आपको नहीं पता है, तो कोई एक वर्टेक्स आप ले लीजिए और इसे सामने वाली भुजाओं को मिला दीजिए, बगल वाले को छोड़कर, क्योंकि बगल से तो वो मिला हुआ है, तो सामने वाली भुजाओं को, अगर इसके अलावा कोई और भुजा होती तो उसको भी मिला दिए, और कौन कीजिए कितना ट्रायंगल बन सकता है, सिर्फ एक ही से काम करना है। जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम आपको अगर दिया हुआ है, ठीक है, आपने साइड नहीं काउंट किया कितना है, आपको नहीं पता है, साइड काउंट करने नहीं आता है, लेकिन एंगल पता करना चाहते हैं, तो कोई एक ले लीजिए, मैंने ये ले लिया। अब इससे मैंने इसको मिला दिया, बगल वाले को छोड़ दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, तो कितने त्रिभुज बने? एक, दो, तीन और चार। तो एक त्रिभुज का आपको बताया था मैं कितना होता है टोटल सम इंटरनल एंगल्स का, तो आप कहेंगे सर 180, तो चार त्रिभुज का कितना हो जाएगा? 720। इसी तरह से इसमें आप देखिए कितना ट्रायंगल बन रहा है, एक और दो, एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, तो पहले ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल का भी सम 180 डिग्री, तो आपको पता चल गया टोटल सम कितना हो जाएगा चतुर्भुज का? 360। ये एकदम बेसिक है और उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब जब ये चीज आप अच्छे से समझ गए हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम एक चीज आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए इसी चतुर्भुज का हम इसको, आप पॉइंट्स को जरूर याद समझने की कोशिश कीजिएगा और नोट कीजिएगा, अगर नोट कर सकते हैं साथ में तो, नहीं तो वीडियो के बाद भी कर सकते हैं हम देखने के। देखिए, वैसे मैं बताऊंगा आपको कि आप वीडियो को सिर्फ वाच कीजिए, कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा वाच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है, तो वीडियो देखने के बाद कोशिश कीजिए नोट्स बनाने के लिए अपने मन से, जितना आपने इसमें समझा है, क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, बराबर आपको लगेगा सारी कुछ समझ में आ गई है। जब एक बार आप अपने से नोट डाउन करेंगे तो वो एक तरह का रिविजन हो जाएगा आपका। इसके बाद जब सवाल बनाएंगे वहां पर फिर से रिविजन होगा, क्योंकि वहां फिर से सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो इस तरह से आपका रिविजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अभी आप कुछ ना करें, अभी आप सिर्फ वॉच करें वीडियो को, आप समझें, कोशिश करें समझने के लिए कि मैं बता क्या रहा हूं। तो अभी देखिए क्या मेरे पहला पॉइंट आपको जो निकल कर आया, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का, चारों कोणों का सम क्या होता है? 360 डिग्री। अब देखिए, अगर इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स बोल रहा हूँ, इस एंगल को वाई बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस एंगल को एक्स बोला, इस एंगल को वाई बोला, तो आप कहेंगे लीनियर पेयर के हिसाब से ये एंगल 180 - x हो जाएगा, और इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? 180 - y। देखिएगा, ये एंगल आपका ए है, इसको ए ही नाम रहने दीजिए, और ये एंगल आपका सी है, इसको सी ही नाम रहने दीजिए।
अभी जो आपको चीजें बताई है इसी के अनुसार बताइए मुझे, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है 180 माइनस वाई, प्लस एंगल सी कितना है सी, प्लस एंगल डी कितना है 180 माइनस एक्स, इन सारे का योग कितना होना चाहिए आपके अनुसार 360 डिग्री। अब देखिए 180 प्लस 180 360 और इधर से कट गया। अब देखिए यहाँ पे बचा है एंगल ए और यहाँ पे बचा है एंगल सी और एक्स प्लस वाई निगेटिव में जिसको मैंने उधर कर दिया, तो दूसरा पॉइंट आपको निकल कर आ गया कि जो दो अपोजिट बाय कोण का जो जोड़ है, जो बचे हुए दो अंतर कोण है उसके जोड़ के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब एक पॉइंट पढ़ाने का अंदाज कुछ इसी तरह से रहेगा, ठीक है, कि आपको चीजें मैं आपके समझाऊं इस तरह से कि आपके दिमाग में रुक जाए। अब देखिए मैंने बोला ए है बी है सी है और डी है, आप बोलिए इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर। देखिए इस पॉइंट पे ओ पे आके मिल गया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए बटा दो, और ये एंगल कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर डी बटा दो। तो इस हिसाब से आप ये एंगल मुझे बताएंगे तो आप कहेंगे सर 180 में से अगर इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब ए बटा दो प्लस डी बटा दो माइनस कर दें, तो आपको क्या निकल जाएगा, करा जाएगा वो कोण जो एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के साथ मिलकर बनाता है। ध्यान रखना मैं बता रहा हूं एंगल बाइसेक्टर। अब बात यह है कि सवाल में अगर एंगल ए दिया हुआ, एंगल डी दिया हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बना हुआ कोण आपसे पूछ रहा है तो आप निकाल लेंगे डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर आपको कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। लेकिन अगर ये एंगल दे देगा, ये एंगल दे दिया, तब क्या करेंगे, तब आप कहेंगे सर मुझे याद है कि 180 डिग्री में से अगर इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस डी, देखिएगा ए प्लस डी ऊपर क्या हो गया ए प्लस डी। आप मुझे बताइए ये पहला जो आपने पॉइंट पढ़ा था इसमें ए और डी को लिखना चाहे तो 360 माइनस बी माइनस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं 360 माइनस बी माइनस सी, लिख सकते हैं इसको 360 माइनस, इसको उधर कर दीजिए इसको उधर कर दीजिए, 360 माइनस बी माइनस सी। अब इसको जब ब्रेक करेंगे अलग अलग तो आपको पता चलेगा 180 माइनस 2 से भागा दीजिए 180, और ये देखिए इसके साथ प्लस हो जाएगा और इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस सी मैं एक साथ रहने दिया। अब देखिए ये और ये कट गया, तो आपको पता चल गया इस कोण को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं बी प्लस सी बटा 2। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर जब एक दूसरे के साथ कोण बनाता है वो कोण सामने वाले दोनों कोण के जोड़ का आधा। ये तीन पॉइंट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरी क्या की द सम ऑफ अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर इंटीरियर एंगल्स। तीसरी पॉइंट आपको निकल कर आ गया द एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, या फिर जो एंगल आपने इंक्लूड नहीं किया है। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, बढ़े आगे चलिए। अब जो नेक्स्ट आपके सामने वाला है एंगल्स आपको इसी तरह के रहेंगे, इसके बाद अगर एंगल्स पे सवाल आते हैं तो याद रखना है जैसा कि मैं पहले बताया हूं कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक अरेंज तरीके से पढ़ाने के लिए, एक अरेंज तरीके से, हालांकि ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इतना अरेंज नहीं होता सब कुछ, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने देखा अभी तक ट्रायंगल्स के जितने भी सारे असाइनमेंट आपको मिले हैं, जो भी असाइनमेंट मिले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं, कहीं भी सर्कल का यूज मैंने नहीं किया, क्योंकि सर्कल जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे वो सारे क्वेश्चन एक साथ लूंगा जो ट्रायंगल्स और सर्कल को मिलकर बनते हैं, तो इसलिए मैंने सर्कल अभी नहीं बताया, तो वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगाया हूं। अब देखिए यहां पे बात कर रहा हूं मैं क्या कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, आप देखते जाइएगा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, आप मुझे बताइए कि अगर ये डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, ए बी सी डी, आप नोट कीजिए ए सी और बी डी को क्या बोलते हैं, डायगोनल, हिंदी में क्या बोलते हैं याद है, विकर्ण, क्या बोलते हैं ए सी और बी डी को, विकर्ण। अगर ये एक्स और वाई के रेशियो में है, अगर ये एक्स और वाई के रेशियो, या फिर इसका वैल्यू एक्स है यहां से यहां तक और इसकी वैल्यू कितनी है वाई है यहां से यहां तक, तो आप मुझे बताइए कि इसका एरिया को मैंने ए वन लिखा है, इसका एरिया को ए टू लिखा है, इसका एरिया को ए थ्री लिखा है, इसका एरिया को ए फोर लिखा, तो आप मुझे बताइए
कि इस ट्रायंगल को देखिए ए बी और डी, तो आप नहीं कहेंगे ए वन बटा ए टू जो होगा वो एक्स बटा वाई होगा। याद कीजिए ट्रायंगल्स में बताया था आपको, कोई भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जो लाइन ड्रा करते हैं, कोई भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जो भी लाइन ड्रा करते हैं वो लाइन एरिया कुर्सी अनुपात में बांटता है, जिस अनुपात में सामने वाली भुजा को बांटता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्टेक्स आपका दोनों ट्रायंगल का कॉमन है, तो हाइट दोनों का बराबर होगा। एरिया क्या होता है? हाइट और बेस का गुणनफल। तो हाइट क्या हो जाएगा? बराबर, तो सिर्फ बेस के रेशियो में बढ़ जाएगा आपका एरिया, रेशियो में बढ़ता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए वन बटा ए टू बराबर एक्स बटा वाई। अगर मैं इधर से बात करूं आपसे तो आप कहेंगे सर यही एक्स बटा वाई को हम ए फोर बटा क्या लिख सकते हैं, ए थ्री भी लिख सकते हैं। ये बातें आपको समझ में अगर आ गई है तो यहां से पॉइंट निकल कर आ रहा है, देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फोर कहिए। क्या निकल कर आया कि ए वन गुना ए थ्री, देखिएगा ए वन गुना ए थ्री जो होगा ए टू गुना ए फोर के बराबर। ए वन गुना ए थ्री, ए वन गुना ए थ्री सामने वाले दोनों जो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हैं इसका एरिया का गुणनफल दो अदर सामने वाले दोनों ट्रायंगल के एरिया के गुणनफल के बराबर होगा। ये बातें आप और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम आसान तरीका है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब बात कर रहा हूं कि जब एरिया पे हम आ गए हैं तो आप बताइए मुझे कि अगर डायगोनल दे दिया आपको डी वन डी टू, डी वन डी टू हम डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए डायगोनल आपका दे दिया डी वन और ये डायगोनल आपका दे दिया डी टू और ये एंगल आपका दे दिया थीटा, ये एंगल थीटा दे दिया, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल थीटा दे दिया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, चलिए इसी को यूज करते हैं, ठीक है, इसी को यूज करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए मैंने बोल दिया कि ये एक से बाई है, मैंने इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी। आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल मैं थीटा बोल दे रहा हूं, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए वन क्या है? एरिया है, ध्यान रखिएगा, ए वन क्या है? एरिया। तो आप कहेंगे सर ए वन की जो वैल्यू होगी ए बटा दो गुने ए गुने एक्स गुने साइन थीटा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कहेंगे सर एक बटा दो गुने ए गुने बाई गुने साइन 180 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा क्या होता है? याद रखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ए3 का एरिया मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर एक बटा दो गुना बी गुना बाई गुना साइन थीटा, आमने सामने के कोण बराबर। और ए4 क्या हो जाएगा? एक बटा दो गुना एक्स गुना बी गुना साइन 180 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मैंने चारों के लिए अलग अलग निकाल लिए। अब देखिए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से निकल के आता है। ये जो चीज आपने अभी पढ़ी है, ये जो आपने इसका प्रूफ देखा, यहां से भी प्रूफ आ जाएगा, आप यहां से भी इसका प्रूफ आ जाएगा। आप देख लीजिए ए वन और ए थ्री को गुना करेंगे तो एक बटा दो गुना एक बटा दो एक बटा चार बी बाई ए एक्स, ए बी एक्स बाई साइन स्क्वायर थीटा। ए टू ए थ्री को गुना, ए टू ए फोर को गुना करेंगे तो एक बटा दो गुना एक बटा दो एक बटा चार ए बी एक्स बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें यहां से भी आती है। अब बात कर रहा हूं कि अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर पहले ध्यान दीजिएगा, अगर पहले में देखिए तो ए है एक्स है, दूसरे में देखिए ए है बाई है, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, किसी भी दोनों को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए वन प्लस ए टू जोड़ेंगे तो आपका एक बटा दो गुने ए साइन थीटा और क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा एक बटा दो बी कॉमन आ जाएगा साइन थीटा और एक्स प्लस बाई आ जाएगा। अब इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो देखिए एक बटा दो एक्स प्लस बाई कॉमन आ गया, साइन थीटा बाहर कॉमन आ गया, ए प्लस बी बचा जिसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। एक बटा दो एक्स प्लस बाई क्या है? पहला डायगोनल, ये ए प्लस बी क्या है? दूसरा डायगोनल। कहने का ये मतलब निकल कर आ गया कि अगर एरिया आपसे पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल का और साइड या कुछ और इंफॉर्मेशन ना देखिए दोनों डायगोनल दे दे और आपको बीच का एंगल डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दे दे, जरूरी नहीं है कि बीच का एंगल आपको डायरेक्टली ही देगा, वो इनडायरेक्टली किसी तरह से रिलेट करके भी दे सकता है, तो उस केस में आप डायगोनल के प्रोडक्ट का साइन थीटा के साथ हाफ ले लेंगे और आपका एरिया निकल जाएगा क्वाड्रेंट। यहां तक आपको क्लियर हो गया? बढ़े आगे।
अभी आगे जो आपको पढ़ना है, जो आगे और चीज आपको जाननी है इसमें, वो सबसे पहले ये जाननी है कि कोई भी रेक्टेंगल है, देखिएगा बड़े अच्छे से, मैंने यहां से लिया परपेंडिकुलर, यहां से लिया परपेंडिकुलर, मैंने इसको बोल दिया डी वन, ये जो है इसको डी वन बोल दिया, ठीक है, या फिर आप डी भी बोल सकते हैं, इसको मैंने एच वन बोला, इसको एच टू बोला। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आप कहेंगे सर एक बटा दो गुने बीएस, बेस क्या है डी वन गुने हाइट क्या है एच वन। इस ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछूंगा तो आप कहेंगे सर एक बटा दो गुने डी वन, इसके लिए भी बेस है और एच टू इसके लिए हाइट है, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा एक बटा दो गुने डी वन गुने एच वन प्लस एच टू, और ये फिर एक नया फॉर्मूला निकल कर आ गया, नया तरीका। आपको समझना सिर्फ रटना नहीं है, समझना है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला आपको याद रहे, लेकिन ये जरूरी है कि कैसे आया है, ताकि जब एग्जाम में आए तो आप यहां से डायरेक्टली दोनों को अलग अलग निकाल के कर दें, और जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि फाइनली ये दोनों को जोड़ना, ये कॉमन है तो जुटेगा, ये दोनों जुटेगा कि नहीं, तो ये आपका एरिया का एक नया फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब एक बात और आपके सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है ऐसा, जितने सारे पॉइंट्स बता रहा हूं सारे को आपको समझना है। ये आपको मैंने क्या किया, चलिए ए है बी है सी है डी है, मैंने बोला कि ये जो ट्रायंगल है देख लीजिए, इसका ये डायगोनल है, ये ए है और ये बी है, इतनी दूरी ए इतनी दूरी बी, तो मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक बटा दो गुने बेस, इसको मैंने डी वन बोल दी, डी बोल दिया यहां से यहां तक को, और इधर भी आपका क्या हो गया डी गुने हाइट, इसको हाइट अभी आपने बता पढ़ा था, इसको क्या हो गया हाइट, तो इसको एच वन बोल दिया। अच्छा ऊपर वाले ट्रायंगल का बोलूंगा ए बी सी का, तो आप कहेंगे एक बटा दो गुने डी गुने एच टू, देखते जाइएगा इसका हाइट आपका एच टू यहां आ गया। अच्छा ठीक, ये मैंने इसको हटा देना है, यहां पर नहीं है ये। अब देखिए मुझे कि आपको क्या बताना है, मुझे वो समझिएगा, आप देख रहे होंगे ये चीज आपको अभी जस्ट बताई मैंने कि आपका जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को अगर किसी पॉइंट पे काट रहे हैं तो एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके आपको बताए गए हैं। यहां क्या बता रहा हूं देखिएगा, अभी आपका हो सकता है पकड़ में नहीं आया हो, आप मुझे बताइए ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एडीसी का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो पता चला दिस इनटू दिस और दिस आएगा। आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो पता चलेगा एक एंगल 90 डिग्री का है, ये दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, इसका मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर सिमिलर अगर हो गया तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एच वन बटा सॉरी एरिया साइड का, सॉरी साइड का, आप क्या कहेंगे इसके साइड और इसके साइड का रेशियो क्या होगा, आपका ये क्या है एच टू है, तो एच वन बटा एच टू। देखिए इसको जब डिवाइड आपने किया था तो आपको ये कट गया था और आपको निकल कर आया था कि ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है और ट्रायंगल ए डी सी का जो एरिया है ये वही होगा जो एच वन और एच टू का एरिया ये रेशियो होगा, एच वन और एच टू का रेशियो होगा, ये आपको पता है एच वन एच टू के रेशियो में जाएगा, और ये भी पता है कि एच वन एच टू का जो रेशियो होगा, यहां से देख लीजिए फिर से एच वन और एच टू का जो रेशियो होगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो बी और ए के रेशियो के बराबर होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं बी बटा ए। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने बताया आपको कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ये अगर किसी डायगोनल का आपको दे दिया ये दो है ये पांच है, ध्यान दीजिएगा ये दो है ये पांच है, तो आपको इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का जो एरिया है बटा इस पूरे का जो एरिया है, इस पूरे का जो एरिया है इसका मैंने रेशियो आपको बताया कि क्या होगा पांच और दो के अनुपात में होगा, क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर है नहीं है, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे और अब एक दो पॉइंट्स और इसमें है उसको इंक्लूड करते हैं जो आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाएगा।
आपने ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, याद होगा अगर तो आपने ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, याद है या भूल गए? मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि कोई भी ट्रायंगल्स का अगर बेस आपका दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, अगर मान लीजिए इसको बीसी बोला, इसको ए बोला, तो इस एसी का एबी का जो मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है, इसको अगर मिलाएंगे हम तो ये जो लेंथ हो जाएगा बीसी बटा दो हो जाएगा और ये इसके पैरेलल होगा। आपको ये बताया था मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में, देख लीजिए ध्यान से, अगर पैरेलल रहा मिड पॉइंट रहा तो क्या होगा, इसका आधा भी होगा और इसके पैरेलल भी होगा। अब मुझे बताइए कि मिड पॉइंट जब नाम आया होगा तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर मिड पॉइंट मतलब इसका मिड पॉइंट ले लें, इसका मिड पॉइंट ले लें, इसका मिड पॉइंट ले लें और इसका मिड पॉइंट ले लें, ठीक है। अब इससे एक आप डायग्राम बना दीजिए, इससे जो डायग्राम आप बनाएंगे वो क्या बनेगा आपका, यही सवाल है। सवाल क्या है आपका, ये डायग्राम क्या होगा? ऑप्शंस में आप कोई भी चतुर्भुज का नाम ले लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, कुछ भी ले लीजिए नाम, हम अभी निकालेंगे क्या आएगा। जो तो आप देखिए कि अगर मैं आपको इसको ज्वाइन करने बोलता हूं, इसको आपको ज्वाइन करने बोलता हूं, तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज जो नीचे वाला जो त्रिभुज है, नाम नेमिंग कर दें ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर एस। तो देखिए ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, पूरे डायगोनल जो एसी है इसका ये आधा हो जाएगा, एसी का ये आधा हो जाएगा और इसके पैरेलल भी हो जाएगा। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखिएगा, एसी जो डायगोनल ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहने एसी का आधा हो जाएगा और इसके पैरेलल हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि आमने सामने की भुजा क्या हो गई, क्या हो गई, पैरेलल और बराबर। अब एक और डायग्राम इसमें बनाएंगे, वो डायग्राम क्या है कि एक डायगोनल इधर से लेंगे। अब तो आप मुझे बताइए कि ये फिर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऊपर वाले ट्रायंगल पे देखिए डी बी सी में ये लाइन इसके पैरेलल हो गया और बी डी का ये आधा हो गया, बी डी का आधा हो गया। इसी तरह से इस ट्रायंगल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एस क्यू जो है, एस पी जो है इसके पैरेलल हो गया और एस पी क्या हो गया, बी डी का आधा। आपके पास जो डायग्राम निकल कर आया है, ध्यान दीजिए, जो डायग्राम आपके सामने निकल कर आया है, इस डायग्राम में क्या क्या खासियत है, तो आपको पता चल गया कि जो पी क्यू आर एस के बारे में इंफॉर्मेशन निकल कर आया है, ये पी क्यू जो है ये एस आर के बराबर है, पी क्यू एस आर के बराबर है। साथ में निकल गया है एस पी जो है ये आर क्यू के बराबर है, ये इसके बराबर है और साथ में ये दोनों पैरेलल भी है, क्या है, समानांतर है कि नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको भी मैं बताया नहीं हूं लेकिन अभी आप समझ लीजिए इस बात को, जिनको बेसिक पता होगा थोड़ा बहुत, जो पहले से पढ़े होंगे एट नाइन्थ में, जो पहले से पढ़े होंगे उनको पता होगा थोड़ा सा चीजें कि जो चतुर्भुज होता है, जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आपके क्या होते हैं, जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है मतलब ये इतना ले लिया ये इतना ले लिया, तो ये पैरेललोग्राम होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर तो पैरेललोग्राम होते हैं ना, और ये पैरेलल भी। अगर आमने सामने की भुजा बराबर, देखते जाइएगा, आमने सामने की भुजा बराबर तो ये रेक्टेंगल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी है भुजा। देख लीजिए आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल भी है, लेकिन एक बात है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम यही तो मैं इसका जवाब आने वाला, क्योंकि एसी जो है बीडी के बराबर नहीं है, एसी बीडी के बराबर नहीं है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि हम बोल सके दोनों डायगोनल बराबर है। मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होता है तो ये तो आपका नहीं निकल रहा है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, पॉइंट नंबर वन। आप कहेंगे सर स्क्वायर भी तो होता है, ऐसा स्क्वायर भी आप ले सकते हैं, आप अगर जिनको पता है आप रोम्बस भी ले सकते हैं, सारे में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ये अलग बात है कि इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन, आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये क्या निकल कर आ गया, पैरेललोग्राम। अगर मैं आपसे छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर दूं
कि ये एंगल जो आपके सामने दिख रहा है, इस एंगल को मैंने बोल दिया कि अगर ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहा है, जो दोनों डायगोनल है, अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है, तो आप बताइए ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा ना, ये दोनों पैरेलल है तो ये 90 तो ये भी 90, यहां दोनों 90 हो गया कैसे, कोई भी पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल्स होता है ऐसे, ये एंगल और ये एंगल कितना होता है दोनों मिलाकर 180 डिग्री, तो इस हिसाब से ये 90 तो ये भी 90। यहां पे देखिए ये कोरिस्पोंडिंग एंगल है, ये एंगल इधर, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी 90। अच्छा ये 90 है, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये क्या है पैरेलल इसके, तो ये अल्टरनेट एंगल से 90 अल्टरनेट इंटीरियर, और अगर इस थ्योरम से करते हैं तो ये भी 90, तो ये भी आपका 90 हो गया, और इस हिसाब से इसमें देखेंगे तो ये तो आपका 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि तीन कोण अगर 90 हो गया कोई भी चतुर्भुज का, तो चौथा कोण ऑटोमेटिकली 90 होगा, क्योंकि टोटल सम कितना होना है 360। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इस हिसाब से तो आपका ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर सारा को 90 हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर हमने पहले ही रखा है प्रूव करके, तो जब अगर ये समकोण पर डायगोनल काटेगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजा पैरेलल भी होती है, बराबर भी होती है, और क्या होती है साथ में सारे कोण 90 डिग्री के। तो ये आपका कुछ पॉइंट था जो क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ने थे, मेरे उम्मीद से लगभग मैंने सारे पॉइंट्स करा दिए हैं आपके। अच्छा एक पॉइंट और आपके मेरे दिमाग में आ रहा है, बड़ा अच्छा सा पॉइंट है। देखिए अभी आपने देखा कि ये जो रेक्टेंगल है, देख लीजिए यहां पे, ये जो रेक्टेंगल नहीं है सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एबीसीडी है इसके मैंने दो डायगोनल बना दिए यहां पे, और यहां पे भी दो डायगोनल बना दिए हैं। मैंने बोला ये दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे काटते हैं, बात को समझिएगा बड़े अच्छे से, मैंने बोला दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री पे काट रहे हैं, इसका मतलब अगर बात करूं मैं इसकी, तो ये ए ले लेता हूं, इसकी बात करूंगा तो बी ले लेता हूं, इसकी बात करूंगा तो एक्स ले लेते हैं, और इसकी बात करेंगे तो वाई ले लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि इसका साइड पूछूंगा आपसे, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, आपसे इसका पूछूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, इसका पूछूंगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसका पूछूंगा तो आप कहेंगे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। आप देख लीजिए आमने सामने पे नजर डालेंगे, आप जब आमने सामने पे आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या निकल कर आया ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और सी डी का स्क्वायर क्या निकल कर आया, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर तो आपका ए बी का हो गया, और सी डी का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे अब मैं पूछ रहा हूं किसका, इस दोनों अपोजिट जो है ए डी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का, तो कहेंगे ए डी का तो आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और बी डी का बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो गया। तो आपको यह समझ में आया कि ध्यान दीजिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर देख लीजिए यहाँ भी है। तो क्या चीजें समझ में आ गई कि जब भी अगर कोई डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पे काटता है, डायगोनल अगर परपेंडिकुलरली काटता है तो अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है बराबर होता है, अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है बराबर होता है। आपको ये समझ में आ गया यहां से। अब देखिए जो चीजें आपको यहां बताई गई है, आपको एक बात जो सबसे बड़ी बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो चीजें मैं आपको बताया हूं अभी यहां पे वो सारे रेक्टेंगल के बारे में नहीं बताया हूं, स्क्वायर के बारे में नहीं बताया हूं, पैरेललोग्राम के बारे में नहीं बताया हूं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया हूं, कोई भी चतुर्भुज पे मैंने बात करी है, इसका मतलब जो भी चीजें आपके सामने आई है ये सारे चतुर्भुज पे लागू होंगे, याद रखना इस बात का। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मिड पॉइंट को मिलाने तक पैरेललोग्राम बनेगा, तो इसका मतलब सारे डायग्राम में पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं, वो आपको वहां पे जैसे जैसे चेंजेस आएंगे डायग्राम में चतुर्भुज में जैसे जैसे बदलाव आएंगे तो वो सब चीजें अपने आप से थोड़ी थोड़ी बदलेगी, लेकिन तरीका यही होगा सारे का। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो आप यहां से सारे चतुर्भुज
जितने भी चतुर्भुज हैं सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे आगे जो बताया था आपको कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि चतुर्भुज के टाइप्स के बारे में, तो आप देखिए चतुर्भुज के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे ये भी आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहां से वो क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल इसलिए पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और रेक्टेंगल के बाद दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे स्क्वायर, ध्यान रखना हमेशा इसी पैटर्न से पढ़ेंगे। तीसरे में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और चौथे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, रोम्बस। पांचवें नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं कोई बताएंगे, ट्रेपेजियम। और छठे नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसको पढ़ेंगे, इसको सर्कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सर्कल इसके जस्ट बाद स्टार्ट होने वाला है। एक चैप्टर और इसके बाद आएगा पॉलीगोन का, उसके बाद हम सर्कल पे आ जाएंगे, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। अब चीजें देखिए इसको हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए लिख दे रहा हूं, आप सुनकर भी नोट कर सकते हैं। आयत है ये, इसको बोलते हैं वर्ग, इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। बहुत लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। रोम्बस को क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज शायद बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग नहीं है इसका, और इसका भी दिमाग नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ा, जब पढ़ाऊंगा तब तक मैं बता दूंगा, ध्यान में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं, और अगर समय रहा उसमें कुछ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा तो हम स्क्वायर भी उसी में पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम और रोम्बस कोशिश करेंगे एक में पढ़ने का, ट्रेपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोशिश करें एक में पढ़ने का, या फिर हो सकता है इन तीनों को हम एक साथ कर दें। मेरी कोशिश है इन दोनों को हम एक साथ कर दें बैक टू बैक, और इन तीनों को एक साथ कर दें, साइक्लिक को अलग रखें इसके, या फिर साइक्लिक और ट्रेपेजियम को एक साथ कर देंगे, इन दोनों को भी कर सकते हैं। और इसके बाद एक और जो नेक्स्ट आएगा वो आपका पढ़ना होगा क्या, पॉलीगोन, और इसके बाद हम कंप्लीट कर देंगे क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है असाइनमेंट जो है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इसका असाइनमेंट आपको मिल रहा है, असाइनमेंट कहां मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का जो डॉट ग्रुप है वही असाइनमेंट मिलता है। जिनको भी नहीं पता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए, जिनको भी अभी तक नहीं पता है आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से देख लीजिए, बड़े अच्छा में लिख दे रहा हूं, मेरा मैच डाउट, इस नाम से सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे, तो आपको जो ग्रुप दिखाएगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाएगा डॉट क्लास का, जहां पे डॉट क्लास का क्वेश्चन आते हैं वहीं पे असाइनमेंट मिलता है, वहीं पे सारे स्टूडेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बात करते हैं। आप वहां पे क्वेश्चन भेजिए, डॉट में आएगा आपका क्वेश्चन, आपको वहीं से असाइनमेंट मिलेगा आपको। और ये जो क्वाड्रेटर जो आपको पढ़ा रहा हूं इसका असाइनमेंट एक दो दिन डिले होगा आपका, तो ये क्लास जब भी मिलेगा उसके बाद, ये क्लास आपको आज ही मिलने वाला है, तो ये क्लास मिलेगा और उसके बाद आपका क्या होगा, एक दो दिन में आपको असाइनमेंट मिलने वाले हैं। क्वाड्रेटर में कोशिश है एक ही असाइनमेंट मिलेगा, इसीलिए डिले होगा, एक ही असाइनमेंट में आपको सारे कुछ आएंगे जितने सारे क्वाड्रेटर आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे वीडियो क्लोज करते हैं, उम्मीद है कि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही होगी, और अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।